audio is done. अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू टेक्निकल गाइड प्रो। आज मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ ऑटो कैड का एक नया लेसन लेके। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कभी भी कोई काम शुरू करने से पहले ऑटो कैड के ऊपर हमें यूनिट सेट करना होते हैं कि आपने किन यूनिट्स में काम करना है। तो किसी जगह पे आपको कोई पैमाइश नहीं चाहिए होती, आपने डायरेक्ट एक ड्राइंग बनानी होती है जिसमें पैमाइश का कोई ताल्लुक नहीं होता, तो आप डेसिमल पे बना लेते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है जैसे कि आपने कोई बिल्डिंग का नक्शा बनाना है, आपको प्रॉपर पैमाइश चाहिए, आपने उसको पैमाइश के मुताबिक बनाना है, जैसे कि इतने फुट इतने मीटर, मतलब कुछ भी आप उसको रख सकते हैं। तो आपने काम करने से पहले सबसे यूनिट सेट करने होते हैं। तो ये एक बेसिक सा तरीका है, मैं आपको बेसिक लेवल से, बिल्कुल बिगिनर्स लेवल से जो है ना ऑटो कैड की ट्रेनिंग दे रहा हूं। तो आपको मैं छोटी छोटी वीडियो बना के एक एक ऑप्शंस के ऊपर तो आपको मैं देता जाऊंगा। इससे आपको ये फायदा होगा कि जब भी आप ऑटो कैड यूज कर रहे होंगे तो ऑटो कैड में आप जहां पे भी फंस जाएंगे कि यार फलां काम कैसे करूं या फलां मसला है मुझे वो कैसे हल होगा, आप यूट्यूब पे सर्च करें, मेरे चैनल पे जाएं, आपको वहां पे उर्दू में एक आसान सी और सिंपल टू द पॉइंट एक वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चले वक्त जाया किए बगैर आगे चलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल के ऊपर आप जाएं, वहां पे आपको मजीद वीडियो भी मिल जाएंगी और वीडियो के ऊपर भी कॉर्नर के ऊपर लिंक आ रहा होगा, उसमें भी पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी ऑटो कैड की। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के ऊपर वीडियोज अवेलेबल हैं, आप कंप्लीट हेल्प ले सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आपको कोई हेल्प चाहिए जो वीडियो मेरी अवेलेबल नहीं है, आप मुझे कमेंट करें ताकि मैं वो वाली जल्द अज जल्द वीडियो बना के पोस्ट कर दूं ताकि आपकी मदद हो सके उससे। तो चलते हैं। अब सबसे पहले तो ऑटो कैड कोई भी वर्जन है उसमें कमांड लाइन होती है, आप कमांड्स भी साथ साथ याद कर सकते हैं, मैं आपको कमांड्स बताता जाता हूं साथ साथ। अभी जैसे कि मैंने ऑटो कैड ओपन किया जस्ट, तो स्टार्ट करने के लिए मुझे सबसे पहले इसके यूनिट सेट करने होते हैं। यूनिट सेट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि जो ऑटो कैड के लेटेस्ट वर्जन है ना, उसमें आपको ये नीचे कॉर्नर में तीन लाइंस नजर आ रही हैं, यहां पे यूनिट्स का आपको ऑप्शन नजर आएगा, यहां पे ये यूनिट्स, इसको आप चेक कर देंगे तो आपके पास यूनिट्स यहां नीचे शो होना शुरू हो जाएंगे। आप यूनिट्स को यहां से भी शिफ्ट कर सकते हैं, आर्किटेक्चुअल है, डेसिमल है, इंजीनियरिंग है, फ्रैक्शनल है और साइंटिफिक है। नॉर्मली जब भी आप स्टार्ट करते हैं काम तो डेसिमल में होता है ये, तो हम यहां से भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि ये कमांड लाइन से कैसे होता है। आप यहां पे जस्ट UN लिखेंगे, UN टाइप करेंगे तो देखें ये यूनिट्स आपके पास शो आना शुरू हो गया। यहां पे आप डायरेक्ट पूरा यूनिट्स भी लिख सकते हैं, UN लिखेंगे तो यूनिट्स निकल आएगा, खाली U लिखेंगे तो आपको शो करना शुरू कर देगा। UN करेंगे तो यूनिट्स, इंटर करेंगे यूनिट्स का मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसमें आपने यहां से आपने सेलेक्ट करना है कि जैसा कि आप, मैं बिल्डिंग का मैप बनाना चाह रहा हूं, मुझे आर्किटेक्चुरल स्टाइल चाहिए तो मैं आर्किटेक्चुरल करूंगा, और इसकी प्रिसीजन कितनी करनी है, मिनिमम छोटे से छोटा साइज क्या रखना है, तो मिनिमम जो है वो 1/16 जो है वो इनफ है। उसके अलावा आप इसके यहां से यूनिट चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप यूनिट लेस कर सकते हैं, इंच, फीट, माइल्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, कोई भी आप यहां से जो आपको यूनिट चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको आपने इंटरनेशनल पे ही रहने देना है। और ये है आगे आपका एंगल का, एंगल की जो डिग्री होती है ना वो डेसिमल में ही बेहतर रहती है क्योंकि 360 शो करना होता है उसने, तो आप डिग्री मिनट सेकंड और इन में अगर करना चाहते हैं ग्रेड्स हो गया, रेडियंस हो गया, तो इसलिए जो सबसे सिंपल आर्किटेक्चुअल में डिग्री यूज होती है वो डेसिमल डिग्रीज ही यूज होती है। तो इसकी प्रिसीजन भी हम इसको दे सकते हैं कि कितने पॉइंट्स तक ले लेके जाए इसको, तो ये 2 पॉइंट्स तक ठीक है बिल्कुल। और ये इसके बाद हम ये भी कर सकते हैं क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज चले, बस इतना सा काम था। इसको आप ओके कर दें। अब आप देखेंगे कि आपके पास यूनिट्स आ चुके हैं, ये आप नीचे देखें, ये आपके पास साइज आ रहे हैं, ये देखें बिल्कुल आर्किटेक्चर यूनिट है 4 फुट, ये आगे उसके डैश आ गया 0 इंच, 9/16 इंच, ये 9/16 इंच। अब मैं इधर अगर कोई चीज लगाता हूं, जैसे कि ये बॉक्स लगाता हूं मैं, अब यहां पर मेरे पास इसका साइज आ रहा है, मैं इसको करता हूं 10 इंच, टैब प्रेस करूंगा, ये मैं कमांड लाइन से कर रहा हूं, 10
इंच, इसको मैं साइज दे रहा हूं साथ ही इंटर, ये 10x10 का एक ब्लॉक बन गया। अगर मैं एक लाइन पकड़ लेता हूं यहां से, मैं लाइन लगाता हूं यहां पे 2.5 इंच, ये 2.5 इंच की लाइन लग गई है, 6 इंच की लाइन लग गई है, ये देखें ये अब इंचेस में सारा हो गया है। अगर मैं इसको डायमेंशंस लगा के देख लेता हूं, ये देखें डायमेंशंस 10 इंच, ये इंच है अभी। अब जितना जितना मैंने साइज लगाया था आप देखेंगे कि उतना ही हो गया। ये मैंने 6 इंच लगाया था, ये मैंने लगाया था 7.5 इंच, देखें ये मैंने लगाया था 2.5 इंच। तो अब ये इंच के अंदर आपकी जो सारी जितने भी आप काम करेंगे वो सारा इंच के अंदर होगा। अब तक के लिए इतना ही, वीडियो में मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।